Hey guys, this is Arslan Shah. तो आज जो रिव्यू मैं आपके लिए लाया हूँ वो है Audionic का AD-3500 प्लस. और पहले भी मेरे चैनल पे शायद रिव्यू है, वो आप देख सकते हैं. वो है सिर्फ Audionic 3500, AD-3500. तो ये है AD-3500 प्लस मॉडल, 2020 मॉडल. और इसके बारे में आज इसका ऑपरेशन करेंगे कि क्या है, और इसमें देखेंगे कि इसका म्यूज़िक क्वालिटी क्या पहले से बेहतर है या उससे भी गिर चुकी है या उसके बराबर है. तो इसको देखेंगे. और जहाँ तक इसके ऑप्शंस की बात है, ऑप्शंस इसमें ब्लूटूथ एफएम रेडियो और कार्ड की ऑप्शन है, और इजीली आप ऑक्स के साथ इसको किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं. और बिल्ड क्वालिटी जहाँ तक देखी जाए, एक बहुत मतलब हाई क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी नॉर्मल सी है और काफ़ी नाजुक भी है. तो अगर गिरा तो ये टूटने का इसको खतरा भी है. तो म्यूज़िक प्ले करते हैं और देन बाकी बात करते हैं. और इसमें आपको जो मिलती है वो है 1 ईयर वारंटी और साथ में रिमोट कंट्रोल. तो म्यूज़िक प्ले करते हैं और देन बाकी बात. बस जहाँ तक इसके साउंड की बात है, साउंड में अच्छा है, पहले से बेहतर है. और जहाँ तक इसकी बेस की बात है, बेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, जहाँ तक इतनी होनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि म्यूज़िक के साथ मैच करे. इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ मुझे ज़्यादा लगी कि शायद मैं नोट ज़्यादा करता हूँ इस वजह से. तो अगर आपने हेडफोन लगा के सुना है तो आप भी नोट करेंगे मेरी बात के बाद. तो जहाँ तक इसका म्यूज़िक और मतलब उसकी बात है, काफ़ी अच्छा है. बिल्ड क्वालिटी में मैंने आपको बताया कि थोड़ा नाजुक लगता है. और जहाँ तक इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात है, सामने इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड और मोड और इक्वलाइजिंग की ऑप्शन है, और बेस और मास्टर वॉल्यूम है, साथ में रिमोट भी है, रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर आपका एक रूम के लिए बहुत है, अगर आप TV लॉन्च या उधर लगाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा कम पड़ेगा, और क्योंकि इसकी इतनी ऊँची आवाज़ नहीं है. तो रूम के लिए बहुत है, आप पर्सनल यूज़ करें उसके लिए काफ़ी अच्छा है. अगर आप परचेज करना चाहते हैं, अच्छा मॉडल है, ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, अच्छा मॉडल है, परचेज करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस आप ऑफिशियल Audionic की साइट पे देख सकते हैं. और अगर कोई भी गाइडलाइन लेनी है और परचेज करना चाहते हैं, या किसी भी और वूफर के बारे में अगर गाइड लेनी है, तो नीचे दपी सॉल्यूशन का लिंक है, उनसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं. और ये वीडियो जो स्पॉन्सर किया है वो है दपी सॉल्यूशन, और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो गाइज, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा आज का रिव्यू. और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हैव फन.